दो बच्चे थे निखिल और नीता, जो अपनी दादी के गांव जाने के लिए उत्साहित थे। वहां पहुंचकर वे एक पुरानी भूतिया हवेली देखते हैं, जिसकी बातें गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी थी। बच्चों की रोचकता बढ़ी और उन्होंने हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर वे एक पुरानी छतरी और रहस्यमय बंद दरवाजे से गुजरते हैं। दरवाजे से बाहर आते ही दरवाजा बंद हो जाता है। भयभीत होते हुए भी वे आगे चलना जारी रखते हैं। चलते हुए वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पुरानी पुस्तकें, छतरी और विचित्र चीजें थीं। तभी एक अनोखी किताब के पीछे से वे एक जादुई परचम देखते हैं। उन्होंने उसे खोला और उसमें एक पुरानी जड़ी बूटियों से भरी बोतल देखी। जैसे ही वे उसे छूते हैं, हवेली हिलने लगी और वहां कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। एक आवाज बोली, जो ये बोतल छुएगा वह मेरा हो जाएगा। बच्चों ने भयभीत होकर बोतल को वापस रखने का निर्णय किया, लेकिन उस वक्त दरवाजा बंद हो जाता है। एक अन्य आवाज बोली, अब तुम्हारे पास 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर सही जवाब नहीं दिया तो हवेली में सदा के लिए फंस जाओगे। पहला सवाल था, जमीन से ऊपर जाता है पर फिर भी जमीन पर ही रहता है। बच्चों ने सोचा पर जवाब नहीं मिला। तभी एक विचार आया, वह तो धुआं है। दूसरा सवाल था, हमेशा तरसता है पर पानी पीने का इरादा नहीं करता। बच्चों ने फिर सोचा लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर नीता ने बताया, वह तो सूखा पैडाच है। तीसरा सवाल था, हर बार बदलता है पर फिर भी एक ही रहता है। बच्चों ने फिर सोचा लेकिन जवाब नहीं मिला। तभी निखिल ने सोचा, वो तो मौसम है। जवाब देने के बाद दरवाजा खुल जाता है और वे अपनी दादी के पास लौटते हैं। वह खुश होती हैं कि उन्होंने उस भयंकर हवेली से सीखा कि नजरिया और सोचने का तरीका कितना महत्वपूर्ण होता है। वे समझ गए कि जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने का सही तरीका है समझदारी और सोचने का तरीका। आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।